ये कहानी है एक नन्हे कलाकार की, जिसने बचपन में अपने अभिनय से हंसाया भी और रुलाया भी, और बड़े होने के बाद ये बना एक बड़ा ही पॉपुलर एक्टर भी। नाम कुणाल खेमू। जन्म 25 मई सन 1983 में हुआ। कुणाल खेमू के परिवार में ही एक्टर्स थे, पिता रवि और माँ ज्योति खेमू। ये दरअसल कश्मीरी पंडित हैं। कुणाल खेमू की पढ़ाई लिखाई की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि मुंबई के निरंजन लाल दालमिया हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। कुणाल खेमू के पिता ने ही इन्हें एक्टिंग सिखाई, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इनके दादाजी मोतीलाल खेमू दरअसल एक कश्मीरी नाटककार थे, और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई अवार्ड भी उन्हें दिए गए, और फिर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला सन 1982 में। कुणाल खेमू की शुरुआत हुई परीक्षित साहनी के सीरियल गुल गुलशन गुलफाम से। परीक्षित साहनी भी कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं। ये सीरियल डायरेक्ट किया था वेद राही ने। उसके बाद महेश भट्ट की फिल्म सर में ये नजर आए, राजा हिंदुस्तानी, जख्म, हम है राही प्यार के, ये ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने कुणाल खेमू को रातों रात स्टार बना दिया। अपने वक्त के ये सबसे व्यस्त चाइल्ड आर्टिस्ट थे। फिर सन 2005 में ये नजर आए मोहित सूरी की फिल्म कलयुग में। कलयुग की कहानी एक कंट्रोवर्सी पे आधारित थी। इस फिल्म के गाने पॉपुलर हुए और कुणाल खेमू के अभिनय को भी बहुत सराहा गया। फिर आई मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल। कुणाल खेमू का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था इसमें भी। फिर आई ढोल, ढूंढते रह जाओगे, जय वीरू, गोलमाल, लेकिन बतौर सोलो हीरो कुणाल खेमू का सिक्का नहीं चला। गो गोवा गॉन, गुड्डू की गन, भाग जॉनी, इन्हें फिल्में तो मिलती रही पर बॉक्स ऑफिस पर वो सलामी नहीं। फिल्म ढूंढते रह जाओगे की शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती हो गई सोहा अली खान से, जो कि मशहूर मारुफ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और महान क्रिकेटर नवाब पटौदी की बेटी हैं, जिनके भाई हैं सैफ अली खान, एक्स भाभी अमृता सिंह, करण भाभी, करीना कपूर, और इस परिवार में जुड़ गए कुणाल खेमू भी। जी हाँ, सोहा अली खान और कुणाल खेमू की शादी हुई। कुछ बरस ये लोग साथ रहे और फिर शादी का फैसला किया। इस शादी से इन्हें एक बेटी भी हुई। कुणाल खेमू बॉलीवुड के उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बड़ा कमाल किया अपने कॉमिक और ट्रेजिक रोल्स के साथ, लेकिन बड़े होने के बाद उस तरह का स्टारडम इनके हाथ ना लगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।